हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सूजी की बहुत ही टेस्टी मिठाई बना रहे हैं। हम सूजी की रसभरी बना रहे हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप ये किसी भी त्यौहार पर बनाकर खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस मिठाई के लिए मैंने 150 ग्राम सूजी ली है, बारीक वाली सूजी है, और 250 ग्राम चीनी, आधा लीटर दूध, 100 ग्राम मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर। अब ये मिठाई हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में दूध डाल देंगे। दूध को हम गर्म होने देते हैं। अब दूध में हम थोड़ा सा कलर डाल देंगे। आप चाहे तो कलर की जगह केसर भी डाल सकते हैं, इससे कलर अच्छा जाएगा। अगर बिना कलर के भी बनाना चाहें तो आप बिना कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन कलर से दिखने में और भी अच्छी दिखेगी ये मिठाई। अब हम एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे। दूध को हमारे दूध में उबाल आ गया। अब हम ये सूजी डाल देंगे, इसमें थोड़ी कर करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। गैस को हमने लो फ्लेम पे ही कर रखा है। हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब हम लगातार ही चलाते रहेंगे, इसको टाइट डो बना लेंगे। सूजी डालते ही ये टाइट बन जाता है, हम लगातार ही चलाते रहेंगे। इलायची भी हमने डाल दी इसमें। लगातार ही चलाते हुए हम इसको टाइट डो बना लेंगे। हमारा डो टाइट होने लग गया है। अब हम लगातार ही चलाते हुए इसको थोड़ा सा टाइट बना लेंगे। इसको हम लगातार ही चला रहे हैं। हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सूजी के मिक्सचर को एक प्लेट में डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब तक हम ये ठंडा होएगा, जब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे। अब हम चाशनी बना रहे हैं तो हमने एक पतीला लिया है, इसमें हमने 250 ग्राम चीनी डाल दी, एक कटोरी चीनी है, तो हम एक कटोरी पानी डाल देंगे। हमें पतली वाली चाशनी चाहिए। अब हम चाशनी को बनने देते हैं। हमें पतली वाली गुलाब जामुन कि जैसी चाशनी चाहिए होती है, थोड़ी पतली वाली चाहिएगी। हमारी चाशनी बन गई है। हमें थोड़ी चिपचिपी चाशनी चाहिए, थोड़ी चिपचिप कर रही है, तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। अब गैस बंद कर देंगे। हमारे सूजी का मिक्सचर भी थोड़ा ठंडा हो गया है। ये थोड़ा गर्म है, इतना ठंडा रखना है कि हाथ से हम बना सकते हैं इसको। अब हम 1 चम्मच घी की डाल देंगे इसमें, और ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर से ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बन जाएगी। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा हल्का हल्का गर्म है, लेकिन हम हाथ से इसको मिक्स कर सकते हैं। ठंडा हो जाएगा तो ये मिक्सचर सही से बनेगा ही नहीं, टाइट हो जाता है मिक्सचर। अगर फिर भी आपका मिक्सचर टाइट हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध डालकर इसको मिक्स कर सकते हैं। हम अच्छे से मसल मसल के सॉफ्ट डो लगा लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मसल मसल के लगाएंगे इसको। हमने इसको अच्छे से मसल मसल के लगा लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है हमने। हमने बिल्कुल सॉफ्ट बना लिया है इसके डो को। हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। आप जिस साइज की बनाना चाहते हैं रसभरी, आप उस साइज की बना ले। आप चाहे तो किसी कटर से या किसी गिलास से कट कर सकते हैं, डिजाइन में बना सकते हैं। मैं सिंपल से गोल गोल बना रही हूँ, टिकिया की तरह बना रही हूँ मैं इसको। बिल्कुल गोल करके हम थोड़ा चपटा कप बना देंगे इसको। ऐसे बना के हम रखते जाएंगे। आप चाहे तो छोटी बना ले, बड़ी बना ले, आपको जैसी पसंद हो रसभरी आप वैसे ही बना सकते हैं। मैं 2 डिजाइन में बनाऊँगी, लंबे और गोल बनाऊँगी मैं। हम बना बना के सारी ऐसे रखते जाएंगे। हमने 2 डिजाइन में बनाकर रख लिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस को हमने लो फ्लेम पे कर दिया है। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। हमने ज़्यादा तेल को गर्म नहीं किया है, हम कम तेल ही गर्म करेंगे। अब हम इसको फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे। गैस को हमने लो फ्लेम पे कर रखा है।
अब हमारी एक तरफ से थोड़ी थोड़ी सी गई है, हम दूसरी तरफ से पलट देंगे इनको। हम 3-4 बार ऐसे पलट पलट के इनका हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हम बार बार में पलटेंगे, नहीं तो एक तरफ से ज़्यादा कलर हो जाएगा इनका। जैसे गुलाब जामुन को बनाते हैं हम, वैसे ही फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर भी हम पलट पलट के फ्राई करेंगे। हम इन्हें 3 से 4 बार फ्राई करेंगे पलट पलट के। धीरे धीरे इनका कलर चेंज होता जा रहा है। हमने गैस को लो फ्लेम पे कर रखा है। हमने इनको 3 से 4 बार पलट पलट के फ्राई कर लिया। दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। ये मिठाई आप जरूर बनाकर देखें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। सभी को ऐसे निकाल लेंगे। अब बचे हुए को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, दोबारा से डाल देंगे। इनको भी हम 3 से 4 बार पलट पलट के ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हम थोड़ी थोड़ी देर में इनको पलट पलट के फ्राई करेंगे। और गैस को हम लो फ्लेम पे रखना है, नहीं तो जल्दी से इनका कलर चेंज हो जाता है और ये अंदर से नहीं सिकती है। जो हमारी पहले वाली सिक गई थी, हम उनको चाशनी में डालते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी फ्राई होती जाएंगी, हम वैसे वैसे चाशनी में डालते जाएंगे इनको। हमने सभी को फ्राई करके चाशनी में डाल दिया है। अब हम 2 से 3 घंटे तक हम चाशनी में रहने देंगे, ताकि चाशनी अंदर तक अच्छे से चली जाएगी। और एक दो बार हम अच्छे से हिला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। हमारे मिठाई को 3 घंटे हो गए हैं, इसने चाशनी को सोख लिया। अब हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये अंदर तक चाशनी चली गई है इनमें। हमारी सूजी की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी से इसे त्यौहार पर जरूर बनाकर देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।